डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ओपन एस पी एस एस फाइल सो इन एस पी एस एस सॉफ्टवेयर यू कैन ओपन द द फाइल विच इज़ यू सेव्ड इन एज एस पी एस एस फाइल और या फिर आप आपने uh, अगर सेव की हो एक्सेल में कोई फ़ाइल तो उसको भी आप ओपन कर सकते हैं एस पी एस एस सॉफ्टवेयर में तो पहले हम देखते हैं कि वट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अस पी एस एस फाइल विच इज़ शेव्ड इन अ एस पी एस एस सॉफ्टवेयर तो आप इसके लिए क्या कमांड यूज़ करेंगे आप जो है डेटा व्यू में जाएंगे वहाँ पर जो फर्स्ट ऐप है फाइल उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको ये तीन आपके आ, आगे कमांड्स आएंगी न्यू ओपन इम्पोर्ट डाटा तो आपने ओपन पे राइट right क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा डेटा इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस डेटा की ये लोकेशन पूछेगा दूसरा जो तरीका है इसमें कि अगर आपने कोई फाइल सेव की है एक्सेल सॉफ्टवेयर में तो आप ओपन डाटा की ही कमांड को यूज़ करते हुए वहाँ पर जो है अगर एस पी एस एस फाइल है जहाँ जो उसकी लोकेशन है उस पर अगर जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने फ़ाइल टाइप में जो सेलेक्ट करनी है वो डॉट एक्सएल एस सेलेक्ट करनी है तो जब आप डॉट एक्सएल एस सेलेक्ट करेंगे तो ये सैम्पल तो फाइल आपके सामने शो हो जाएगी यहाँ आपके सामने जो भी एक्सेल की फ़ाइल्स हैं वो शो हो जाएंगी और वो आप इस तरीके से ओपन कर सकेंगे एस पी एस एस सॉफ़्टवेयर में डियर स्टूडेंट ये एस पी एस एस के आईकॉन पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे ये सॉफ़्टवेयर ओपन होगा आपके पास और ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन, कौन सा डेटा खोलना है तो आप इसको यहाँ से फ़ाइल से कमांड देंगे कि व्हाट काइंड व्हाट डेटा यू वांट टू ओपन तो अगर तो आपने न्यू डेटा एंटर करना है तो यहाँ पे आप न्यू की फाइल से क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने वेरिएबल व्यू में जाके वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन और डेटा व्यू में जाकर डेटा की इंफॉर्मेशन जो है केस वाइज़ वो आप एंटर कर सकते हैं जब आपने एक न्यू फाइल बनानी है अगर आपके पास फ़ाइल बनी हुई है तो आप इसको क्लिक करेंगे और आप यहाँ से फ़ाइल ओपन डेटा फिर जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है जहाँ पर आपकी फ़ाइल सेव है वो इसको कमांड देंगे फॉर इंस्टेंस मेरी फ़ाइल्स जो हैं इस फोल्डर में सेव हैं तो यहाँ पे मैं अपनी जो भी मुझे फ़ाइल चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा और उसे ओपन कर लूँगा तो इस तरह आपका जो ऑलरेडी से फाइल आपने सेव की हुई है वो डेटा खुल जाएगा अब यही जो कमांड है हमने ऊपर uh, जो है लेक्स प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह आइकॉन यूज़ करते हुए करते हैं तो अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको उसी फोल्डर में ले जाएगा और आप वहाँ से सिर्फ ये आइकॉन यूज़ करते हुए बजाय के आप फ़ाइल पे जाएं ओपन करें और न्यू डाटा पे क्लिक करें इस आइकॉन पे क्लिक करते हुए भी आप अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो फाइल टा, टाइप है एस की जो फाइल्स हैं वो डॉट एस की एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं तो इस वजह से यहाँ पे जितनी भी फाइल्स शो हो रही हैं वो सारी एस सॉफ्टवेयर में सेव्ड फाइल शो हो रही हैं अगर हमने किसी एक्सेल की फाइल को ओपन करना है एस सॉफ्टवेयर में तो मैं इस पर फिर एक क्लिक करता हूँ राइट और यहाँ पे डॉट एस ए वी की बजाय डॉट एक्स एल एस की कमांड देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास उसी फ़ोल्डर में जो एक एस पी एस एस की बजाय एक्सेल की फ़ाइल है वो ओपन हो गई जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये एक एक न्यू फाइल बन जाएगी तो इसी तरह मैं आपको जो हमने आइकॉन स्टडी किए थे उसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे हमने इसमें एक आइकॉन स्टडी किया था कि जिसमें हमने वैल्यू लेबल्स का आपको बताया था कि ये ये सारे यहाँ पे कोड्स एंटर हुए हैं इन कोड्स को क्या लेबल दिए गए हैं वो हम देखते हैं जैसे यहाँ पे ज़ीरो लेबल किया गया है मैरिटल स्टेटस में नॉट मैरिड और वन लेबल किया गया है एवर मैरिड इसी तरह हम ये देखते हैं कि ये एक आइकॉन है सिलेक्ट केसेस का जिसको हम आगे जाके बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे डेटा फिल्टरिंग इस प्रोसेस को कहते हैं तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम डेटा फिल्टर कर सकते हैं इसको हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे इसी तरह ये जो आपके पास आइकॉन है ये है गो टू केस आईकॉन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन से केस नंबर पर जाना है तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ गो टू केस नंबर फोर्टी फाइव तो ये मुझको डायरेक्ट उधर ले जाएगा ये देखें यह जो फर्स्ट आपके पास केस आ गया है वो फोर्टी फाइव आ गया इसी तरह अगर यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे जाना चाहता हूँ तो वो भी मुझे ये इस तरह ऑप्शन है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जेंडर एंगजाइटी डिसऑर्डर का स्कोर देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं गैड को सेलेक्ट करूँगा और इसे गो की ऑप्शन दूंगा तो ये वहाँ पे मुझे ले जाएगा इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे ये यह आईकॉन है कि अगर आपने इंसर्ट करने हैं केसेस बजाय कि आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन डाउन करें और नीचे लेके जाएं फाइल को आप सिंपली जो है इस आईकॉन को यूज़ करते हुए इंसर्ट कर सकते हैं केस तो ये यह आपको यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप केस इंसर्ट कर सकते हैं इसी तरह यहाँ पे ये यह जो ऑप्शन है ये स्प्लिट फाइल का है मैं इसको री डू करके भी आपको दिखाता हूँ अंडू करके अब मैं इसको स्प्लिट फाइल का आपको बताता हूँ तो यहाँ पे आप जेंडर की बेस पे या कंपेयर कर सकते हैं ग्रुप्स ये हम आगे जाके अभी डिटेल में इस आ, कमांड को और पढ़ेंगे तो बेसिकली इस मेड्यूल में हमने देखा कि एसपीएसएस एस की जो बेसिक फंक्शनस हैं हम उनको कैसे परफॉर्म करते हैं डी स्टूडेंट्स ना हो हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमने एक्सेल की फाइल खोलनी हो तो वो कैसे खुलेगी आप वैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आइकॉन पे और यहाँ पे जिस फोल्डर में आपकी वो एक्सेल फाइल पड़ी है फॉर इंस्टेंस वो मेरे पास इस फोल्डर में पड़ी हुई है ये डेस्कटॉप पे सेव्ड है तो पहले मैंने क्या करना है मैंने इसकी जो फाइल की एक्सटेंशन टाइप है वो करेक्ट सेलेक्ट करनी है एक्सेल फाइल्स जो सेव होती हैं वो डॉट एस या डॉट एस एक्स या डॉट एक्स एल एस एम के साथ सेव होती हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो मेरे पास जो इस फोल्डर में फाइल्स हैं वो शो हो जाएंगी तो फाइल नंबर वन को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ एस पी एस एस सॉफ्टवेयर में तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं ओपन के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि रीड वेरिएबल्स नेम फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ डाटा यानी एक्सेल में जो फर्स्ट वो है उधर से वो वेरिएबल नेम रीड करेगा तो मुझे वहीं से ही चाहिए इसको मैं ओके okay करूँगा तो मेरे पास एक्सेल फाइल में दो वेरिएबल थे वी वन एंड वी टू तो उनमें जो है मेरे पास ऑब्जरवेशन थी वो एक्सेल फाइल में यहाँ पे मेरे पास आ गई हैं तो इस तरह से अगर आपने किसी भी जगह अगर आपने एक्सेल एस में एक्सेल में डाटा सेव किया हुआ है तो वो आप एस में भी ओपन कर सकते हैं मगर एस पी एस एस में ओपन करने के बाद आपको इसकी जो है वेरिएबल व्यू में जाके इसकी इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी होती है कि इसका टाइप क्या है और इनके लेबल्स वग़ैरह क्या हैं